Dalton, what's up? This side Harshali, you're अपनी जम्मू की लड़की. Welcome to my channel Vlog Banti. Good morning guys. सुबह सुबह गला बैठा होता है. Good morning guys. It's 9:30 and तुम लोगों को बहुत मानने वाले हो. तुम लोगों को इतना लेट उठती है यार, ये क्या बंदी है. बट नहीं यार, आज संडे है तो संडे को पूरी हफ्ते की नींद पूरी करने का हक है मेरा. सो आज हम करने वाले हैं मोमो चैलेंज. मतलब मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर 24 आवर्स के लिए मैं मोमोज खाने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन विद द चैलेंज. फर्स्टली मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ, उसके बाद लेट्स स्टार्ट आवर चैलेंज. सो गाइस, मैंने ऑर्डर किए अपने लिए मोमोज जो कि थे चीज़ कॉर्न मोमोज, एंड हमारे मोमोज आ चुके हैं. तो अब करेंगे हम इसका टेस्ट. कैमरा रखती हूँ मैं यहाँ पे और हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग. ये इन्होंने चटनी दी है साथ में. मेरे को मेयोनीज़ इतनी सही नहीं लगती है, तो अब इसको करते हैं हम ओपन. खोलते हैं अपने मोमोज. तो हमने किए हैं अपने मोमोज ऑर्डर जो कि हैं चीज़ एंड कॉर्न. ठीक है, शीनू तूने ऑर्डर सही लिया था. शायद ये फ्राइड मोमोज होते हैं उनके, बिकॉज़ यहाँ पे ना उनका थोड़ा बंद बंद जैसा कुछ दिख रहा है. तो हम लोग करते हैं इसकी टेस्टिंग और करते हैं आज का चैलेंज का उद्घाटन. खुशबू आ गई है और इसका कुछ मन कर रहा है खाने को. स्टफिंग इसकी फिर भी अच्छी है, बट इसमें नमक बहुत ज्यादा है. एक्चुअली मुझे लगता है मोमोज ही, बट ये चीज़ होती है ना, लिक्विड ही होती है, तो शायद उसकी वजह से फ्लैट हो गया है ड्यूरिंग फ्राइड. बट मैंने स्टीम मंगवाए थे. मैं जब ऑर्डर करूँगी तो सोच लूँगी कि क्या ऑर्डर करना है और क्या नहीं. ये तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, बट चलो ठीक है, इट्स ओके. छोड़ दिया और ये जो है मोमोज आई हैव ईटन अप. सो ब्रेकफास्ट टाइम इज़ डन. अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ लंच टाइम की बारी. तब तक के लिए बाय. अब है हमारा लंच टाइम और लंच टाइम के लिए हम लोग निकले हैं बाहर. संडे की सबसे सही बात यह है कि तुम्हारा पूरा दिन तुम्हारा होता है, तो तुमको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते. और मेरे साथ है कौन? मेरी बहन. सो तुम लोग को स्ट्रेट अवे वहाँ पे ही मिलती हूँ. ठीक है, बाय. सो गाइस, अभी हम लोगों का लंच का टाइम है और अभी हम लोग आए हैं ईडन बोटैनिक, जो कि लोकेटेड है बाहू प्लाजा के स्ट्रेट सामने. सो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया. सो लेट्स चेक आउट कि कैसा लगेगा. बेस्ट थिंग अबाउट दिस रेस्टोरेंट इसके यहाँ पर ना स्कैन करके आपको ऑर्डर करना है, तो वो यू नो हाथ वाथ कहीं लगने नहीं वाले, तो इट विल बी वेरी बेटर फॉर यू ऑल्सो. सो लेट्स ईट टुगेदर. उनका फूड आ चुका है एंड आई गेस कि तुम लोगों की क्रेविंग्स भी इसको देख के जाग जाएंगी. सो जस्ट हैव अ लुक. सो गाइस, हम लोगों ने किए थे थाई हर्ब डिमसिम्स ऑर्डर और ये रहे इनके डिमसिम्स. और ये रहे इनके पास तीन टाइप की चटनी है. एक ये रेड चिली है, शायद ये मुझे लगता है चिली गार्लिक है, और ये भी कोई रेड कलर की. सो आई एम जस्ट गोना ईट इट. और इनका थोड़ा कम इशू होगा बिकॉज यहाँ पे लाइट्स कम है. सो अब हम लोग करने वाले हैं अपने डिमसिम्स ट्राई. ये रही मेरी प्लेट. पहले मैं करने वाली हूँ मोमोज ट्राई. ओके, चटनी हम लोग लेंगे. पहले इनकी ये रेड चिली वाली चटनी ट्राई करते हैं. बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब अच्छे से फिल्ड है मोमोज. कवरिंग बहुत पतली है, सो तुम लोगों को मैदे का ना एक्चुअली टेस्ट आएगा भी नहीं. हम लोग सेकेंड वाली चटनी ट्राई करते हैं जो कि थी ना, क्वांटिटी थोड़ी कम है बट इतने में इतना ही मिलता है यार. मैं पूरा ही डिमसिम खा लिया. इसका जो फ्लेवर आ रहा है ना, इसमें हर्ब्स बहुत ही ऐसे हिट करते हैं आपके टेस्ट बड्स पे जाके. सो
अब हम करते हैं लास्ट वाली चटनी ट्राई। चटनी इज़ गुड इनफ बट ना वो ये कि इसके हर्ब्स जो है ना वो बहुत ऐसे हिट कर रहे हैं डायरेक्टली। सो दैट्स इट फॉर लंच। अब ये लंच जो है बहुत हैवी हो गया, मुझे लगा मैं स्नैक तो खा नहीं पाऊँगी, सो स्नैक स्किप करके ना रात को डिनर भी मिलती है तुम लोगों को। सो बाय। गाइस अभी है हम लोगों का डिनर का टाइम और मोमोज। लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, स्नैक मैंने किया नहीं बिकॉज बहुत हैवी हो गया था ईडन में। और अभी हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया है, सो सबसे पहले मिलती है ये ग्रीन चटनी, ओके। उसके बाद मिलती है हमारी ये रेड चटनी और फिर मिलती है इसकी स्लिप्स खोलो इसको, और आ जाता है एंड में हमारा ये मोमोज। कोको क्या हुआ? मोमो खाने है? हाँ मोमो खाएगा कोको? क्या हुआ? मोमोज खाने? हाँ मोमोज खाने हैं, भूख लगा है। नहीं 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 नो कोको सेट 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 गुड बॉय गुड बॉय। कल कोको का बर्थडे भी है ना, कल हम अच्छा सा केक खाएंगे कोको के लिए, है ना बुबू। इसको भी बहुत भूख लगी है, इसको खाना देना पड़ेगा उसके बाद। सो अभी हम लोग करते हैं इसका ओपनिंग। सुबह हम लोगों ने ऑर्डर किए थे अपने जो फ्राइड मोमोज थे वो, लंच में हम लोगों ने खाए थे कौन से थे वो, हर्ब्स वाले मोमोज। और अभी हम खाने वाले हैं, आपको दिखाती हूँ खुद। और ये रहे हमारे मोमोज, ये हमने ऑर्डर किया अभी तंदूरी मोमोज। तो तुम देखो कितनी अच्छी लग रही है, इसके कलर बहुत सही है बट ये थोड़ा जला हुआ है, बट हाँ तंदूरी मोमोज में ऐसा ही आपको मिलेगा सब। सो अब मैं खोलती हूँ इसकी चटनी। ये हमारी ग्रीन चटनी और ये हमारी रेड चटनी। तो सबसे पहले हम इसकी चटनी ट्राई करते हैं। जो ग्रीन वाली चटनी है वो पुदीना और दही का जो मिक्सचर करके चटनी आती वो है, और जो ये रेड वाली है ये ऐसे चाइनीज़ चटनी होती है, जैसे इसमें थोड़ा विनेगर का फ्लेवर आ रहा है उस टाइप की चटनी है। खाते हैं अब, हम करते हैं इसका टेस्ट। सबसे पहले मैं खाऊंगी इसको ग्रीन चटनी के साथ। ऐसा लग रहा है मैं तंदूरी चिकन चटनी के साथ खा रही हूँ। वो तो पता नहीं क्या मोमो बना था उसके बाद जो हमने ईडन में खाया, दे वर ऑल्सो गुड बट उसमें जो फ्लेवर था हर्ब्स का वो इतना ज़्यादा ऐसे हिट कर रहा था अचानक ही, तो उसमें शायद ब्रोकली थी ज़्यादा, हर्ब्स थे कुछ तो था। तो ये वाले मुझे ऐसे फील दे रहा है जैसे ना मैं तंदूरी चिकन खा रही हूँ। कल वाला व्लॉग पक्का देखना, उसमें कुछ स्पेशल होने वाला है, बिकॉज मुझे लगता है जम्मू में ऐसे आज तक मैंने किसी को देखा नहीं है कि ऐसा कुछ कर रहा हो कोई डॉग के लिए। सो कल वाला व्लॉग तो इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ माइन। मेरी लोकेशन में इस टाइम पे ना दो या तीन ही रेस्टोरेंट्स थे जो अवेलेबल थे डिलीवर करने के लिए, और ये मैंने मंगवाया द विलेज रेस्टोरेंट से। सो मोमो चैलेंज करके मुझे बहुत मज़ा आया तुम लोगों के लिए, बट ये है कि यार तुम पूरा दिन मोमोज नहीं खा सकते, मतलब तीन टाइम लगातार मोमोज। अब मुझे लगता है एक हफ्ते तक मैं मोमोज को हाथ भी नहीं लगाने वाली हूँ। तो तुम लोग मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन दो कि अगर मैं कोई फूड चैलेंज करूँ जिसको सबसे ज़्यादा वोट आएंगे, जो सबसे ज़्यादा सजेशन सही होगी ना, मतलब कोई भी सजेशन दे सकते हो तुम लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल डोमिनोज, सबवे, मैकडी, घर का खाना, कुछ भी, तो उसी हिसाब से मैं अपना चैलेंज लूँगी नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में। सो आज के लिए इतना ही है, मैं करती हूँ अपने मोमोज इन्जॉय और तुम लोगों से लेती हूँ अलविदा। उसे मिलूँगी मैं अब वेंसडे को, और वेंसडे वाला ब्लॉग पक्का देखना बिकॉज उसमें कोको का बर्थडे ब्लास्ट शो करूँगी तुम लोगों को। सो मिस मत करना उस ब्लॉग को। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। रुको अभी मोमो सारे ख़त्म करके जाऊँगी मैं यहाँ से।